वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आप इनको देख के थोड़ा सा हैरान हो रहे हैं कि मेरे चैनल पे कौन आ गए हैं। यस, मैंने अभी रिसेंटली 3 रैबिट्स लिए हैं। ये देखिए, दो वाइट हैं और एक ब्लैक है, और अभी ये बहुत छोटे हैं। तो आज मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने शो कर रही हूँ वो कुछ इन्हीं से रिलेटेड है, इसलिए तो चलिए देखते हैं। वही बालकनी है जिसका मैंने आपको रिसेंटली मेकओवर बताया था, ये सेम वही जगह है, वही बालकनी है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी चेंज लग रही है। एक्चुअली मैं इनको 10-15 डेज बिफोर लेकर आई थी, और अभी ये बहुत छोटे हैं। तो मेरा प्लान है कि इस बालकनी को मेकओवर करके मैं अपने पेट के लिए किस टाइप से बना सकती हूँ। कि देखिए, ये वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं अभी बहुत ही क्यूट है और बहुत ही छोटे हैं अभी। चलिए मैं दिखाती हूँ अभी मैंने इनको कहाँ रखा है, और मेकओवर के बाद इस बालकनी का क्या लुक आएगा। बालकनी है जो मेरे ड्राइंग रूम के साथ अटैच्ड है, जिसमें ये शाफ्ट मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अभी फ़िलहाल मैं इनको इस शाफ्ट में रख रही हूँ, क्योंकि अभी ये बहुत छोटे हैं, 1 मंथ अप्रॉक्स हैं, तो ये शाफ्ट में ईजिली रुक जाते हैं। शाफ्ट का भी स्पेस है अच्छा खासा, बट अभी जब ये थोड़ा सा बड़े होंगे तो शाफ्ट में इन लोगों को स्पेस का थोड़ा सा इशू रहेगा। तो इसलिए मैं इस पूरी बालकनी को इनके अकॉर्डिंग मेकओवर करूँगी। अच्छा हुआ मैंने उस पर बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं किया था, बहुत बजट फ्रेंडली मैंने आपको वो मेकओवर बताया था। तो अभी मैं इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ नेट वगैरह लगाकर, ताकि थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो हम हाई राइज अपार्टमेंट में हैं तो यहाँ कैट्स वगैरह आती नहीं है जो इनको हार्म पहुँचा सके, कोई ऐसा एनिमल नहीं आता है, बट फिर भी थोड़ा सा सेफ करने के लिए मैं यहाँ पे पहले पूरा एक नेट लगवाऊंगी, देन मैं इनको इस एरिया में छोड़ूंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इनको दरवाज़ा बंद करके, ऊपर प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह है इसमें, तो मैं इनको यहाँ छोड़ती हूँ, और रात में मैं इनको केज में डालकर अपने पास ले जाती हूँ और वहाँ पर फ्री कर देती हूँ। और अभी ये देखिए कितने क्यूट हैं, अभी अप्रॉक्स ही 1 मंथ के हैं। और अब आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस में कुछ इनसे रिलेटेड भी देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट भी देखेंगे। ये वाला सबसे छोटा है, इसका नाम मैंने रखा है माफिन, और ये चेरी है, ये चीकू है, चीकू थोड़ा सा बड़ा है इसलिए उसको घूमने की थोड़ी ज़्यादा लगी रहती है, उसको जंप वगैरह करना आ गया है, और इनको अभी जंप करना नहीं आया है, इसको थोड़ा सा आ गया है, माफिन को बिल्कुल नहीं आया। ये इनके छोटे से टॉयज़ रखे हैं क्योंकि कार्डबोर्ड से ये काफ़ी खेलते हैं। वो बास्केट में इनका मैंने फूड रखा है, क्योंकि ये लिटरिंग बहुत ज़्यादा इधर उधर लाइक थोड़ा सा करते हैं मैं सब। तो अभी मैं इनको थोड़ा सा टीच कर रही हूँ कि ये एक ही जगह पे थोड़ा सा सेटल हों। और ये बालकनी का एरिया काफ़ी अच्छा है, आई थिंक 5x7-8 फीट है ये बालकनी, तो ये स्पेस काफ़ी इनके लिए सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि ये 3 हैं और अभी बहुत छोटे हैं, तो इनको थोड़ा सा खेलने के लिए भी जगह चाहिए। वैसे मैंने रात में थोड़ा सा फ्री रोम भी करती हूँ, अंदर ले जाती हूँ, घूमते हैं ये लोग, खेलते हैं। और चलिए अब देखते हैं मेकओवर के बाद आप अपनी बालकनी को पेट फ्रेंडली, इधर आपने रैबिट्स रखे हैं, डॉग्स रखे हैं, कैट्स रखे हैं, कैसे भी आप एक छोटे से अपार्टमेंट को पेट फ्रेंडली और पेट हाउस, पेट रूम कैसे आप इसको बना सकते हैं वो देखिए। ये देखिए कैसे तीनों, मतलब वैसे ये जंप नहीं कर सकता है हल्के से इतने से, बट जैसे मैंने वहाँ कोरिएंडर डाला तो इसने एकदम से यहाँ जंप कर लिया, और कोरिएंडर इनका फेवरेट है। सी कितने क्यूट लग रहे हैं, कैसे कोरिएंडर खाते हुए। तो चलिए जब इनकी जगह पूरी सेट हो जाएगी तब ये बहुत खुश होंगे आई थिंक। तो अभी मेरे को बस उसी में लगी हुई हूँ कि कैसे वो सेट करना है, कैसे इनका थोड़ा सा ध्यान मुझे रखना है, इसलिए थोड़ा सा वीडियोस भी मैं कम डाल पा रही थी, बट ठीक है अब इसके साथ ही चलते हैं। और मेरी नेक्स्ट वीडियोस में आपको कहीं ना कहीं ये मिलते रहेंगे। अब को लग रहा कि इनसे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, तो शायद मैं रखूँ डॉग भी आने वाले टाइम में, बट अभी फ़िलहाल मैंने इन 3 को रखना है और बहुत अच्छे से संभाल के रखना है। तो जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही मेरे घर बहुत सारे पेट्स रहे हैं, तो बहुत टाइम से ही मैं सोच रही थी, और आई एम क्रेज़ी लाइक मैं जब छोटी थी तो मम्मी को अपनी यही बोलती थी कि मुझे ना मेनका गांधी जैसा बनना है समथिंग, तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं, बट हाँ जितना अच्छा कर सके उतना मुझे लगता है कि इतना करना चाहिए, क्योंकि ये बोल नहीं सकते हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते हैं, तो
बस इसलिए अभी आए हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। मेरे घर में बहुत अच्छा सा एक हो गया है, माहौल हो गया है। मैं जब भी कहीं से आती हूँ, और ये देखिए ये मुझे इतना पहचानने लग गए हैं ना, कभी मैं किचन में कुकिंग कर रही होती हूँ तो वहाँ मेरे पैरों के पास खड़े रहेंगे, और मतलब ये बहुत ज़्यादा पहचानने लग गए हैं। गाज़ियाबाद में है, तो मैं एड्रेस प्रॉपर आपको मेंशन कर दूँगी मैंने ये कहाँ से परचेज किए हैं। उनके पास सब वैरायटी के पेट्स हैं। अगर आप भी मन है आपका भी कि घर में कुछ प्यारा सा, ये देखिए कितना क्यूट है, ऐसे बनीज आ जाए। और ये मेरे नए फैमिली मेम्बर्स हैं तीनों, जो बहुत ही प्यारे हैं। और ख़ास बात ये कि ये बिल्कुल भी शोर नहीं करते, इतने प्यारे हैं ना, ये इतने प्यारे हैं मतलब पता ही नहीं चलता कि घर में कोई है या नहीं है। बहुत छोटे हैं अभी, तो इनकी टेक केयर करना थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, रेदर देन इस बालकनी को और सुंदर बनाने से। मुझे लग रहा है कि मेरे को इनको कैसे रखना है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊंगी कि मैंने इस बालकनी को इनके अकॉर्डिंग किस टाइप से सेट किया है। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा आइडिया। बहुत अच्छे से मजबूत है, वैसे यहाँ कुछ होता नहीं है, मैं थोड़ा सा हाई राइज में रहती हूँ, बट फिर भी सेफर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको करवाया। अब इसको मेकओवर करेंगे, जो मैंने आपको दिखाया था। अब थोड़ा सा मैंने मेकओवर किया है, अभी भी कुछ चेंजेस हैं बाकी, बट फिर भी मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये मैंने एंटर किया है, अब ये इनका एरिया है और ये एक्चुअली एक केज है। अब ये छोटे हैं, वैसे मैं इनको केज में रखती नहीं हूँ, बट फिर भी ट्रैवलिंग के लिए, जैसे मैं अभी कहीं गई थी तो मैं इनको केज में रख कर ले गई थी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैंने इनकी स्टेयर्स बनाई है। एक मेरा पोर्ट है उसको उल्टा करके, क्योंकि इनको थोड़ा सा जंपिंग अच्छा लगता है। प्लस वहाँ ग्रीन ग्रास रखी है, एक मैट बिछाया है क्योंकि इनको मैटिंग पे चलना बहुत पसंद है। और ये देखो ये इंजॉय कर रहे हैं अपना नया एरिया। सेफ्टी के लिए ये जो मैंने आपको दिखाया था अभी, बहुत अच्छे से और काफ़ी मजबूत है, लाइक हम लोग भी इस पर प्रेशर डालें तब भी नहीं ये टूटेगा। तो मैंने तो जस्ट ये कैट और वल्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया, वैसे ये आते नहीं हैं, बट फिर भी मैंने एक बार सेफ्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से ये किया है। लॉफ्ट एरिया है जो इनका पहले घर था, अब ये इसी बालकनी में अटैच्ड है, तभी मैंने ये बालकनी चूज़ की, ताकि अगर इनको कोजी होना है तो ये अपने शाफ्ट एरिया में जा सकते हैं। और ये भी मैंने एक DIY बनाया है कार्डबोर्ड से, फूड डिस्पेंसर। इसके अंदर मैं वो डाल देती हूँ, सारी ग्रास डाल देती हूँ जो भी कलेक्ट करके लाती हूँ, और उसके बाद ये यहाँ से निकाल के इसको खाते हैं। और ये मैंने चेन से हैंग किया हुआ है, बट ये कार्डबोर्ड का है तो मुझे दोबारा से इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटा सा है तो कई बार वो अंदर बैठकर इसमें ग्रास खाने लग जाता है। और यहाँ भी मैंने मैटिंग की हुई है, ये कुछ इनके खेलने के लिए टॉयज रखे हैं। प्लस ये एक मैंने हाइडी हाउस बनाया है, कुछ नहीं है, इसके अंदर भी एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है जिसपे मैंने दोनों तरफ से ऐसे होल कर रखे हैं, और अंदर एक बिछा रखा है टॉवल, दोनों साइड में इसमें होल है इसी टाइप से। और ये इसके अंदर सोना बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इनके कोजी वाले रूम में शाफ्ट में रखा है। और जंप करने ने पसंद है, इसलिए इस एरिया पे भी मैंने थोड़ा सा मैट बिछा दिया है। और फाइनली ये मेरा अब एरिया पूरा हो गया है मेरे बनीज़ के लिए। तो आप भी अगर मेकओवर करके अपने बनीज़ के लिए या पेट के लिए कोई एरिया करना चाहें, तो ऐसे पहले सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें, उसके बाद आप पूरा एरिया इनको डेडिकेट कर सकते हैं। देखिए वो कितना इन्जॉय कर रहा है यहाँ पे, उसको जंप मारना बहुत पसंद है। और ये घास इन्जॉय कर रहा है, ये यहाँ पर घास खा रहा है। मैं और इसमें कुछ चेंजेस करूँगी तो वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या